शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 269 अंक टूटकर खुला। देश में पिछले 24 घंटे में 1,03,570 कोरोना मरीज डिस्चार्ज, 2,330 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 67,208 नए केस आए सामने, 71 दिन में सबसे कम मामले। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश भर में रिकॉर्ड तोड़ 31,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई। कोरोना की दूसरी लहर में 730 डॉक्टरों ने गवाई अपनी जान, आईएमए ने दी जानकारी। शहर में बुधवार को सामने आए कोरोना के 86 नए मामले, 3 मरीजों ने गवाई कोरोना के चलते जान। तालिबान आतंकियों से जुड़ा अफगानी बंद, 10 वर्षों से रह रहा था नागपुर में, सीपी को मिली थी जानकारी। वैक्सीनेशन रेस में तीसरे नंबर पर जिला, कोविन ऐप के सहारे प्रशासन ने किया दावा। मोबाइल सेवा पर 50 लाख खर्च करेगी मनपा, स्थायी समिति ने प्रस्ताव को दी हरी झंडी। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने नागरिकों से की अपील, कहा अनाथ बच्चों की जानकारी जिला प्रशासन को दे।